वो सामने क्या है? कहीं ग्रैनी? ओ भाई ग्रैनी है। गुड मॉर्निंग गाइस, और ये है मेरा घर और ये मेरी सोसाइटी। अबे किसके चिल्लाने की आवाज है ये? कुछ तो हुआ है गाइस, अभी चल के देखते हैं। यहीं से आवाज आई थी, यहीं कहीं से। गाड़ी के पीछे कोई है क्या? नहीं। क्या नहीं भाई, यहाँ पे तो सोए हुए हैं सब। अरे तुम लोग इधर क्यों सोए यार, रास्ते पे सोना थोड़ी होता है। हमें डर लग रहा है, डर लग रहा है। गाइस वो डर रहे थे इसलिए मैंने पुलिस को तो फोन किया था, बट वो लोग जो थे वो हमारी भूतिया गली के ही थे, इस वाली गली के। पता नहीं मेरी गली को भूतिया क्यों कहा जाता है, मुझे नहीं पता। तो गाइस यहाँ पे आ चुके हैं सारे के सारे पुलिस वाले। एक सेकंड, अंदर अभी भी पुलिस वाला बैठा है। अरे यार उनको बोलना पड़ेगा बाहर निकलो यार, गली आगे है और आप यहीं पे आके खड़े हो। अरे पुलिस वाला भाई आप बाहर निकलो यार, जल्दी निकलो। गली वहाँ पे और आप अंदर बैठ गए। क्या यार मैं अंदर बैठ जाता हूँ, लेकिन गाइस मैं बैठ के क्या करूंगा, मैं तो पुलिस वाला ही नहीं हूँ। सो गाइस मुझे लगता है वो चले गए, क्योंकि यहाँ पे भी पुलिस है। सो गाइस हमारी गली के साथ पुलिस इस वाले मोहल्ले में भी आ चुकी है। अरे पुलिस वाले भाई साहब हमारी गली में सब डर का माहौल है यार, वहाँ पे चलो। वैसे भूत मूत कुछ होता नहीं है, डरना नहीं चाहिए वैसे। अरे पुलिस भाई अब ऐसे वैसे छोड़ो, आप मेरे साथ चलो। वो थार है ना थार, उसके पीछे है। इधर 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 आओ भाई इधर। वो पुलिस वाला किधर जा रहा है यार, मैं थार के पास बोल रहा हूँ। अरे पुलिस भाई इधर आ जाओ यार इधर। ए वहीं पे आ रहा हूँ, वहाँ यहाँ पे थोड़ा चेक कर लूँ, बस यहाँ पे कुछ भी नहीं। अब आ रहा हूँ तुम्हारी जगह पे। हाँ ये तार है ना, ये व्हाइट वाली। अरे यार नहीं, जहाँ मैं खड़ा हूँ ये रेड वाली तार है। ओके ओके, कहाँ है दिखाओ मुझे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है यार, क्या टाइम पास कर रहे हो। अरे लेकिन यहीं पे थे सुबह में, बोला तो था मैंने फोन पे। लेकिन गाइस आप लोगों को लग रहा होगा कि भूत ही नहीं आ रहे, तो चलिए गाइस अभी मैं आपको ले चलता हूँ, क्योंकि मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। सो गाइस ये पूरा इलाका ग्रैनी का है और वो रात को आके सबको खा जाती है, बट रात हुई नहीं अभी। तो जैसे हम काम से लौट के आएंगे रात को, तो हो सकता है रात को भूत आ जाए। गाइस तब तक तुम लोग वीडियो को लाइक कर दो। A few moments later. So guys, रात हो चुकी है और काफी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, बस 8 ही बजे। बट ये गली जो यार इतनी भरी भरी रहती थी, आज इतनी खामोश क्यों है? आज गाइस मुझे चेक करना पड़ेगा, कोई भी घर के बाहर नहीं है और मुझे लगता है कि कोई घर से बाहर निकला ही नहीं है। बाकी सबकी लाइटें चालू है, मतलब अंदर सब जाग रहे। चलो अंदर अपने पूछते एक बार, यहाँ पे बाबू भाई का घर है। तो सुनो, एक रात को। ओ भाई ऐसा लगता है जैसे कि उनके घर में टीवी चालू है। चलो गाइस इनको डिस्टर्ब नहीं करते, एक बार हम यहाँ से किसी और के घर पे चेक कर लेते। और इस वाले घर में मेरा दोस्त रहता है, तो यहाँ पे चेक करते। ऐसे ही जोरदार बारिश हो रही है। लेकिन यहाँ तो ना बिजली हो रही है और ना बारिश हो रही है, इनके घर में टीवी चालू है। गाइस ये मेरे अकेले पे बारिश क्यों हो रही है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है अभी। वो सामने क्या है, कहीं ग्रैंड? ओ भाई ग्रैनी है, ग्रैनी है। अरे यार बचा लो कोई ग्रैनी। क्या गाइस मेरे सर में लग गया रात, ग्रैनी ने मुझे मार दिया क्या? अबे नहीं मैं तो किसी और जगह पे हूँ भाई, ये तो ग्रैनी का घर है। फटाफट से हम सिक्योरिटी की ढूंढते हैं, ये सिक्योरिटी की मिल गई। अभी चलते ऊपर, एक सेकंड गाइस देखो ग्रैनी जा रही है यहाँ से। तो चुपचाप ग्रैनी को इग्नोर करते और फटाफट से ना सिक्योरिटी के से सब कुछ ढूंढ डांट के यहाँ से निकलते हम फटाफट से। मैंने सिक्योरिटी की से दरवाजा तो खोल लिया, ये फोटो पड़ी है जो कि लास्ट में काम आ सकती है, बट यहाँ पे मैंने नहीं ढूंढा। फटाफट से मुझे पूरा घर देखना है। ओके पाना मिल चुका है और पाना लेके जाते फटाफट से नीचे और पानी बंद कर देते। तो चलो गाइस मैं आ गया हूँ ये संडास वाली जगह पे, जो कि बहुत ज्यादा गंदा है। और यहाँ से मैं पानी खाली करने के लिए मुझे वो करना पड़ेगा, अंदर से जाके पानी को रोकना पड़ेगा जैसे पानी बंद होगा। तो हाँ गाइस मैंने पानी बंद कर दिया, लेकिन मुझे ग्रैनी की आवाज़ आ रही है बाहर से, ग्रैनी का कुछ करते। तो देखो गाइस पानी निकल चुका है और वो काचिंडा वहीं पे बैठा है अभी, तो उसका कुछ करते हम, क्योंकि उसके घर में ना हमारी काफी सारी चीजें पड़ी है। तो ये रही ग्रैनी और मैंने पाना फेंका, भाई ग्रैनी तो मेरी तरफ आ रही है। हटा सावन की घटा, तू कहाँ भाग रहा है, इधर आ मेरे पास, तेरी खोपड़ी खोल के रख दूंगी। बिचारी को पता नहीं है कि उसकी खोपड़ी खुलने का पूरा इंतजाम मैंने करके रख लिया है, क्योंकि मेरे पास आ गई है मेरी शॉट गन और अभी मैं इसकी खोपड़ी खोलने वाला हूँ, क्योंकि ये करंट गन से जो ग्रैनी की हालत होगी ना गाइस मजा आ जाएगी। अबे जा किधर रही है तू, मुझे लगता है भाग गया डर के मेरे से। अबे तेरे से तो बच्चे भी ना डरे, बच्चे डरते हैं क्या? जो भी बच्चा है कमेंट में बताओ। आ जा एक बार सामने तो आ, हड्डियां तोड़ती हूँ। ग-
गाइस ये तो मरते भी स्टाइल में है, तो चलो फटाफट से यहाँ से निकलते इसके घर से। ये रहा अब इसकी खोपड़ी खोलते। नहीं मारेगा तो 150 रुपए देगा। अरे मेरे इलाके में आ रहा है, 150 रुपए देगा। ले फिर। ये भी क्या काम से यार, कैसे कैसे लालची लोग ग्रैनी के यहाँ पे भरे पड़े हैं। सो इसको यहाँ रखता हूँ और अंदर जाके ना जो भी लूट सकता हूँ लूट लेता हूँ। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं यार। ओके मुझे हेलीकॉप्टर की मिल गई है, तो हेलीकॉप्टर के लेके मैं सीधा नहीं सीधा नहीं जा सकता, मुझे तो अभी और भी चीजें ढूंढनी है। तो भाई मुझे बहुत सारी चीजें मिल गई है, बहुत सारी मतलब। ओ भाई ग्रैनी यहाँ पे खड़ी है। तो कैसे मारा था तूने? हाँ तो बहुत सारी चीजें मतलब बहुत ही ज्यादा सारी चीजें, तो बस उसको सही जगह पे लगाना है और तो कुछ भी नहीं है। ग्रैनी पीछे आ रही है और मेरे पास एक सिंपल सा आइडिया है कि मैं यहाँ से ना ग्रैनी जैसे मुझे मारने आएगी मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। मेरे घर में मेरे को उल्लू बनाएगा, कूद नहीं पाएगा। ओ भाई मैं कूदा क्यों नहीं? ओ गाइस ये मैं कहाँ? ओके गाइस तो चलिए लगता है कि हम जीत गए, हम ग्रैनी के घर से बाहर आ गए। ये क्या बोल रही है? कहाँ से जीते रे? हमारे लोग को मार दिए तुमने, वहाँ पे 4 लोग आज फिर मर गए। क्या कर रहे हो यार? रात को भूतड़ी आती है मार के चली जाती है। ओ भाई ये तो फिर से आज मार दिए, बट कैसे हुआ यार? ग्रैनी के पास तो हम थे, ग्रैनी ने इनको कैसे मार दिया? ओ भाई इसका कुछ करना पड़ेगा, पुलिस वालों से पूछता हूँ। सर आज फिर इस तरह की घटना हो गई? हाँ पता नहीं चलता क्या करे, रोज रोज घटनाएं हो रही है, आज तक कुछ किसी बात का पता नहीं चला। लोग बोलते भूत है लेकिन भूत होते है क्या? अभी मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना क्या करना पड़ेगा कि ग्रैनी के अंदर जाके मतलब ग्रैनी के हाउस में जाके ग्रैनी वाले गेम को जीतना पड़ेगा, ग्रैनी को हरा कर उसके घर से भागना पड़ेगा। तो रात हो चुकी है। हाँ मुझे मस्त वाला आइडिया है, तो मैं अब जाऊंगा ग्रैनी वाले घर में, ग्रैनी के घर में, एंड इस बार ना उसको हरा के आ जाऊंगा। इस बार वो आएगी ना मेरे सामने तो उसको हरा के आएंगे। तो गाइस मैं ग्रैनी की गेम जीत चुका हूँ, मैंने सब कुछ ढूंढ लिया और अभी चलो हेलीकॉप्टर लेके भागते हैं। वो रही ग्रैनी। तो ग्रैनी बाय बाय मैं जा रहा हूँ और मैंने गेम जीत लिए, तो कैसा लगा आपको हार के? मतलब वैसे बोला जाए तो हार के तो एक सेकंड मैं थोड़ी ना, मैं इंटरव्यू को दे रही हूँ यार। मैं एक बात बोल दूं यार, तू हार जाएगा। मैं नहीं आ रही, मैं अभी ऊपर आ रही हूँ। देख तेरी हड्डियां तोड़ के मैं तुझे खींच के ले जाऊंगी वापिस। अबे ग्रैनी जब तक तू ऊपर आएगी ना तब तक तो मैं हेलीकॉप्टर से मेरे गांव में पहुंच चुका हूँ। नो चल बे, मैं तो आ रही हूँ ऊपर, तुझे बताऊंगी। जाता भी यार पूरा हार। आखिरकार इसको हार माननी ही पड़ी। तो गाइस चलिए मैं हेलीकॉप्टर में बैठ जाता हूँ फटाफट से। सो हमारा हेलीकॉप्टर पूरी तरीके से ठीक हो गया है और मैंने सब कुछ करा दिया। तो वीडियो पूरा की पूरा 1 घंटे का था, तो मैंने सब कुछ कट कर दिया क्योंकि आप लोगों को पसंद नहीं है ग्रैनी और मुझे पता है कि कुछ लोग डरते हैं, तो इसलिए बस। तो हमें ये हेलीकॉप्टर चालू करना है और ये चालू हो क्यों नहीं रहा यार? अभी ग्रैनी आती होगी। सो ये ग्रैनी का बकवास सागर भंगार सागर था, वो ग्रैनी खड़ी नीचे। नीचे देखो नीचे, बट ग्रैनी तो लेट हो। चलिए गाइस हमारी सिटी चलते हैं। ओ गाइस मैं हेलीकॉप्टर में से इधर कैसे आ गया? तो गाइस इसका मतलब तो यही है कि ग्रैनी का आतंक अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद नहीं भी आई तो भी यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि यार क्या होता है ना कि पूरी पूरी रात लगती है यार वीडियो बनाने में, और पूरी रात ही नहीं मैं तो पूरी दिन रात मेहनत करता हूँ ताकि आप लोगों के लिए वीडियो बना पाओ। सो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पक्का दूसरी वीडियो में किसी ना किसी चीज का चीट कोड बता दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई तरीका है भीख मांगने का?